अजय कुमार ये बताइए कि कैंसिलेशन इसका सॉल्यूशन अब नहीं हो सकता क्योंकि बाकी के जो 5 सबमरीन है 2020 तक भारत को मिलनी है, अभी उसमें वक्त है, लेकिन क्या आप एक्सपर्ट्स का तो ऐसा मानना है कि कैंसिलेशन सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना चाहिए? नहीं नहीं, किसी तरह से अगर आप इस किसी भी इस तरह का प्रोजेक्ट को कैंसिल रद्द करना तो उचित नहीं है। सभी सहमत है कि जो है देश का तटीय सीमा को सुरक्षित करना, हमारे समुद्र क्षेत्रीय को सुरक्षित रखना हमारा नौसेना का फर्ज है और ये देश के लिए सभी लोग को ये इस बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है जी। दिक्कत क्या हो रही है, जैसे आप एक वक्ता ने हमसे पहले कहा था कि भारत जब तक ये नहीं पता लगाएंगे कि हमारी साइबर सिक्योरिटी किस स्तर की है, कितनी कमजोर या कितनी क्षमता है, और उसको अगर पारदर्शिता के साथ अगर हम लोग उसको देखेंगे नहीं, अगर हर वक्त उसको जो है हम छिपाने की कोशिश करेंगे कि नहीं फ्रांस में हुई है भारत में नहीं हुई है, और जो जो सरकारी संगठन जो खासतौर से जो सरकारी संगठन इस प्रतिष्ठान इस चीज से संबंध रखते हैं, जो भी होगा NTRO है, साइबर सिक्योरिटी के अनेक संस्थान है भारत के सरकारी संस्थान, उनकी क्या जिम्मेवारी है? हर वक्त जब भी इस तरह की बड़ी बात होती है जी, तो हम उसको राजनीतिक रूप में देख करके जो है मसले को जो है छुपाने का कोशिश करते हैं। सबसे जो जरूरी बात क्या है कि कौन सा संस्थान हमारी साइबर सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार था, कौन पदाधिकारी जिम्मेवार था, और हमें डर है कि जब तक ये जांच समिति में पूरी पारदर्शिता तो के साथ नहीं अगर हम लोग इस पर काम नहीं करेंगे जी, जी, तो जब तक वरीय पदाधिकारी नहीं मैडम एक सेकेंड पहली सबसे बड़ा खतरा क्या है कि ये भारत की पुरानी आदत हो गई है कि हम किसी भी जो है सरकारी पदाधिकारी को जिम्मेवार ठहराने से जो है मुकरते हैं। अब समय आ गया है कि कौन पदाधिकारी जिम्मेवार थे, ये कागज किसके साथ था, कोई सरकार भारत के कोई भी संस्थान उससे संबंध रखता था कि नहीं रखता था। और दूसरी बात है कि जैसे जनरल कादियान ने ठीक कहा कि यदि आप बाहर के प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को भारत में लाएंगे और अगर आप उस टेक्नोलॉजी के जो है रहस्यता को जो सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो विदेश के जो भी कंपनी से वो 10 बार सोचेंगे भारत में आकर अपने मेक इन इंडिया करने के लिए जी। तो इसीलिए ये गंभीर मामला है। और तीसरी बात जो हमने कहा कि जो दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं और चीन और पाकिस्तान और जो देश जो भारत के पक्ष में नहीं रहते हैं वो उस सूचना के तहत वो स्कॉर्पियन को नाकाम करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया निभाएंगे, क्या क्या कदम उठाएंगे जी, जी। उसको भारत को सचेत होकर यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हम अपने जो है ये स्कॉर्पियन पनडुब्बी को उस तरह से सशस्त्र बनाए ताकि किसी भी देश इस इंफॉर्मेशन का फायदा नहीं उठा पाए जी। बहुत अहम बात और पॉइंट्स आपने यहाँ पर उठाए हैं अपनी इस बात में। आरके मल्होत्रा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? लीक फ्रांस से नहीं बल्कि भारत से हुए, DCNS का भी ऐसा कहना है, लेकिन इतना कह देने से बात नहीं होगी, कहीं ना कहीं वहां से भी तो जवाबदेही बनती है। देखिए, जवाबदेही से पहले जो मोटा मुद्दा जनरल बख्शी ने उठाया उसको मैं थोड़ा तफसील में आपको बताना चाहूँगा। आप देखिए, बोफरगंज की बात हुई, बोफरगंज में हमने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए पैसे दिए और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आती ताकि हम खुद एक गन बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास आए, हमने पैसा तो उसका दे दिया लेकिन उसके बाद हमने एक हल्ला खड़ा कर दिया कि साहब इस पर करप्शन हुई है, जिससे क्या हुआ, वो डील कैंसिल हो गई। तो वो तो आदमी पैसे लेके बैठ गया, हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई। और उस बात को 30-40 साल हो गए, इसी तरह एक नहीं हर एक चीज़ में ऐसा हुआ। इससे पहले भी सबमरीन के लिए हमने HDW सबमरीन के बारे में हम लोग एक तकरीबन फाइनलाइजेशन में पहुंच चुके थे, 1998 की बात कर रहा हूँ, लेकिन तब भी यही हुआ कि साहब करप्शन हुई तो सबमरीन का हमारा पूरा सिलसिला वहीं का वहीं रह गया। तो पैसे हम देते हैं टेक्नोलॉजी के, लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आने वाली होती है तब इस किस्म का कोई सिलसिला शुरू होगा। जनरल कादियान ने बोला कि जब मेक इन इंडिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं तब भी यही कुछ हो रहा है कि जब हम मेक इन इंडिया की तरफ अग्रसर हो रहे हैं तो इस किस्म के लांछन लगा दें, इस किस्म की कोई लीक कर दें तो उसके बाद आप बोलेंगे इसको रोक दें मोबाइल, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आएगी। लेकिन दूसरी चीज जो आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का तरीका यह है कि आज हमारा स्ट्रक्चर जो ढांचा है वही गलत है। हमारा ढांचा क्या है, सबमरीन नेवी को चाहिए लेकिन उसके पैसे के लिए अलग डिपार्टमेंट है, उसके डिसीजन के लिए अलग है और उसकी जिम्मेवारी कहीं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है। तो एक जो डेटा आपके पास है
वो डेटा कहीं 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 घूम रहा है आपके पास, एक जगह महफूज है नहीं। और दूसरी बड़ी बात, हमें फ्रांस के पास क्यों जाना पड़ता, हर एक चीज़ के लिए बाहर क्यों जाना पड़ता? बिकॉज हमारे खुद ने हमने काबिलियत पैदा ही नहीं की कि हम खुद कुछ बना सकें। तो अगर आप जब तक काबिलियत पैदा नहीं करेंगे, आप इस चीज़ के लिए ससेप्टेबल रहेंगे। लेकिन आज करने की क्या ज़रूरत है आपको? आज करने की ये ज़रूरत है कि अच्छा जो हुआ उसको छोड़ें, लेकिन इस प्रोग्राम में असर नहीं होना चाहिए। हमें 6 की 6 सबमरीन मिलनी चाहिए, उसके बाद P-75I में जाना चाहिए। और जो तो भी सबमरीन जो बाकी 5 है जो 2020 तक आएंगी, जितना समय उसके लिए है, तो वो मिलनी चाहिए। आपका कहना है कि इस प्रोजेक्ट पर ये जानकारियाँ लीक होने से किसी तरीके का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा? नहीं, होना नहीं चाहिए, होना नहीं आप चाहिए। इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस नेगेटिव इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास इंडिजिनस सॉल्यूशंस हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी कुछ पता लगा है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों, 2 साल बाद 3 साल बाद जब ये सबमरीन ऑपरेशनल हो जाती तो पता लगना शुरू हो जाता। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिजिनस सॉल्यूशंस हैं, सेंसर्स की हैं, आपके एंटेना की सॉल्यूशंस हैं, आपके टॉर्पीडो वेल की पता, उसको उसके इंडिजिनस सॉल्यूशंस हैं जिनको ठीक किया जा सकता। जी जितेंद्र जैन, ये बताइए कि मनोहर परिकर लगातार कह रहे हैं कि हैकिंग ज़रूर इसमें हो सकती है, लेकिन असल बात क्या है, जांच के बाद पता चलेगा। इससे पहले भी आपने एक दो मामले ऐसे बताए हैं अपनी बातचीत में जहां पर हैकिंग की बात सामने आई थी। आखिरकार ये इतनी आसानी से इतने इंपॉर्टेंट डेटा डॉक्यूमेंट्स लीक कैसे हो जाते हैं, इस पर ओवरकम कैसे किया जाए? देखिए, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिबेट कि ये फ्रांस में हुआ कि इंडिया में हुआ, कि एक बात आपको समझनी होगी कि साइबर के डोमेन में, हैकिंग के डोमेन में ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डो नॉट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे इज अ कंप्यूटर, वेदर इट इज इन फ्रांस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इट डजंट मैटर एट ऑल। दूसरी चीज़ आपको देखनी होगी, ये पहला वाक्या नहीं है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, हमारे टेलीकॉम मंत्री और गृह मंत्री के कई बयान आए हैं कि साइबर सुरक्षा को लेकर हमें बहुत सचेत रहना है और हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना है। और ये मैसेज हर ऑर्गेनाइजेशन को कई फोरम से दिया गया है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब क्या होगा, पिछले अगर आप 3 साल का वो उठा लें, कम से कम सैकड़ों केस हैकिंग है जिसमें पाकिस्तान और चाइना का इन्वॉल्वमेंट रहा है। कई बार तो फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर भी गृह मंत्री ने बयान दिए हैं, गृह राज्य मंत्री ने बयान दिए हैं कि चाइना और पाकिस्तान हैकिंग कर रहे हैं। मगर आपको जान के आश्चर्य होगा, पिछले 3 साल के अंदर एक भी FIR पूरे भारत के अंदर नहीं है जिसपे एस्पियनाज को इन्वेस्टिगेट किया गया, साइबर एस्पियनाज को। या तो हम उसको कंप्यूटर इंसिडेंट या एक छोटे मोटे केस का नाम देते हैं, साइबर क्राइम का नाम देते हैं, पर एस्पियनाज के एंगल से कभी किसी मामले को FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया। दूसरा, हमें समझना होगा ये जो हैकिंग का पूरा खेल चल रहा है, इसमें चाइना और पाकिस्तान अब कहीं ना कहीं मिलकर काम कर रहे हैं। एंड इन साइबर, एटलीस्ट आई कैन विद फुल कॉन्फिडेंस से, विद माय लिमिटेड नॉलेज, दैट वी आर ऑलरेडी फाइटिंग अ टू फ्रंट वॉर। हम ऑलरेडी एक टू फ्रंट वॉर दोनों देशों से लड़ रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन चुराई जा रही है। और अगर जो अब प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया का जो कैंपेन चला रहे हैं, जहां एक तरफ हमारा पूरा का पूरा आज एक ये संदेश जा रहा है कि हर सूचना को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आए ताकि उसका आदान प्रदान इजीली हो, ऐप्स बन रहे हैं, पर अगर इस डिजिटल इंडिया के अंदर अगर हमने डिजिटल सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो डिजिटल डिजास्टर का होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। और जैसा कि अभी GD बख्शी साहब कह रहे थे, अजय जी कह रहे थे कि बहुत सारी जो मेक इन इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनी अलोकेट मार्टिन आज यहां पे आके काम करने को तैयार हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास हमें उन्हें दिखाना है कि उनकी सूचना यहां पर सुरक्षित रहेंगी। और अगर ये सुरक्षा का विश्वास टूटता गया, IRCTC का डेटा हैक हो गया, सरकार एक के बाद एक अगर हैक होते रहे तो कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है, फिर उसका बहाना नहीं, नहीं उसमें एक बहुत बड़ा बहाना बना के प्राइवेट कंपनियां कहेंगी नहीं, हम डेटा प्राइवेट सर्वर में फॉरन में रखेंगे, फिर हमारी जो एक बहुत बड़ी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की डिमांड है कि ये भारत का डेटा भारत के अंदर रहना चाहिए, उससे बचने का रास्ता इन प्राइवेट कंपनियों को निकल जाएगा। इसलिए हमारे हित में है कि हम साइबर सुरक्षा के ऊपर ध्यान दें और इसको बहुत सीरियसली लें, और जिसकी भी जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर सुझाव है, जो भी है, मिलकर इसके अंदर काम करें। GD बख्शी जी, ये बताइए सर कि अगर पाकिस्तान और चीन के पास ये अहम जानकारियां पहुंच जाती है तो जाहिर है हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। नहीं, बेशक, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए, अभी इसको हम थरली इन्वेस्टिगेट करें और इसमें कोई स्वीपिंग अंडर द कार्पेट का तो सवाल ही नहीं है। बहुत ही अहम ये घटना है, बहुत ही खतरनाक घटना है, एंड वी हैव टू गेट टू द बॉटम ऑफ इट। उसमें तो कोई दो राह है ही नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अभी यहाँ कहा जा रहा है, जो ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने, जिसे ये सार्वजनिक किया गया, उसने जो बताया है ट्रेल, वो एक फ्रेंच ऑफिसर, नेवल ऑफिसर, जो कि दूसरी फर्म के साथ चला गया, अपने साथ ये डेटा स्टील करके ले गया, साउथ ईस्ट एशिया में काम कर रहा था, वहाँ से जो भी रूट है, वी विल हैव टू फाइंड इट आउट। और जहाँ अगर हमारी गलती है, वी हैव टू प्लग इट। इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए, अभी तक तो आप
पहले आपने बोला 49% एफडीआई, कोई एफडीआई नहीं आई, अब आप 100% एफडीआई बोल रहे हैं, तब भी अभी तक एफडीआई नहीं आई। और शायद मैं तो समझ रहा हूं कि लोग जो आपको नहीं चाहते कि आप ताकतवर मुल्क बने, आपकी सुरक्षा सेनाएं सक्षम हो, वो शायद उन्होंने आपके खिलाफ ये साजिश रची है कि आपकी क्रेडिबिलिटी जीरो कर दी जाए और, हमने भी कहीं और जो आप आने भी वाला है वो ना आए, और आप खुद घोड़े पे चढ़ के खुद घोड़े पे चढ़ के अपनी डील्स कैंसिल करते जाएं, अपनी स्वच्छ क्या कहते हैं छवि को लेकर आप पता नहीं कहां जाएंगे, लेकिन हमारे पास हथियार नहीं होगा एट दिस रेट। पर एक बात हम सबको माननी पड़ेगी, हमको 30 साल से बोफोर गन की रिप्लेसमेंट नहीं मिली, जो भी गन की कंपनीज थी सारी ब्लैक लिस्ट कर दी। इस पूरे वाक्य में एक बहुत अच्छी बात हुई है, पहली बार किसी रक्षा मंत्री या किसी बड़े मंत्री ने खड़े होकर यह कहा है कि जो इन्फॉर्मेशन लीक का केस है उसमें कहीं ना कहीं हम हैकिंग की संभावनाओं को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसको एक पूरी तरीके जांच कमेटी बिठा के उसके ऊपर पूरी कार्यवाही करी जाएगी। इसे मैं एक बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखता हूं कि हाँ कम से कम अब लीडरशिप यह मानने को तैयार है कि हैकिंग कैन बी यू नो डैमेज फैक्टर टू दिस एंटायर इन्फॉर्मेशन लीक। इससे पहले हम हमेशा फिजिकल सिक्योरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते रहे, तो कम से कम अगर आज साइबर सुरक्षा को लेकर इतनी सतर्क सरकार और रक्षा मंत्री जी खुद इसको अब अपने रानी में ले रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है जो आज कम से कम निकल कर यहां पर आ रही है। शिल्पा जी, जी जी बताइए। शिल्पा जी, जी जी बोलिए। शिल्पा जी, पहले तो सबसे सबसे समय का सबसे जरूरत काम क्या है कि जैसे जैन साहब और सब लोग कह रहे थे कि देश में कम से कम इस बार ऐसे जांच समिति जिसमें सेना के आला पदाधिकारी की होनी चाहिए, उसमें शामिल होनी चाहिए, सदस्य होनी चाहिए, और जांच हो और पता लगाए कि कहां पर जो है ये लीकेज हुआ है, किस कारण से हुआ है, कौन कौन जो है सरकारी संस्थान हो या निजी संस्थान उसके लिए जिम्मेवार है, और एक एक विस्तार रूप में साइबर सिक्योरिटी पर खास तौर से, क्योंकि जैसे जीडी बख्शी साहब ने कहा या जनरल कादियान ने कहा, जनरल बख्शी और जनरल कादियान ने कहा है कि लगातार हमारे पाकिस्तान हो या चीन हो, और चीन के बारे में तो आप हम लोग को सबको जानकारी है कि किस तरह से उनकी जो हैकर्स है अमेरिका की सुरक्षा और उनके जो सरकारी संस्थानों पर हमला कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में जो हम लोग को जिस तरह से दो फ्रंट में युद्ध की जो जो माहौल जो बनते जा रहा है जी। उसको जो एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम लोग को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देश के जो सरकारी संस्थानों की जो साइबर सिक्योरिटी है वो मजबूत रहे, और इसके लिए जब तक एक पारदर्शिता के साथ एक हमें अपने भी सिस्टम को यहाँ पर मजबूत और परिकर साहब से यही होगा कि ये पूरी तरह से नहीं और देश को विश्वास दिलाए परिकर साहब और रक्षा मंत्री की इस पर जो है उचित कदम दिए जा रहे, नहीं तो ये एक न्यूज रिपोर्टर एक टीवी चैनल शो में ये मामला जो है वहीं के वहीं रह जाएगी। जी चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि इसको आगे भी जाकर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारे डिफेंस सिस्टम से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मसला है, गंभीर मसला है, और इसे गंभीरता से ही आगे भी लिया जाएगा। बहरहाल राज कादियान, ये बताइए, यहाँ पर कोई भी डील जब होती है तो उसमें 50 तरीके की धांधली पहले ही सामने आ जाती है, और जैसा कि खुद हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स बने हुए हैं आर के मल्होत्रा जी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमें बाहर क्यों जाना है, क्योंकि हमने अपने यहाँ ही इतनी कैपेबिलिटीज को अभी तलाशा नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अभी भी हम बाहर ही निर्भर हैं, जो निर्भरता हमें जरूर अब कम करनी चाहिए समय के हिसाब से। क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए भारत, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन को देखते हुए, जियो स्ट्रेटेजिक हालत को देखते हुए, हम अभी भी दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट के इंपोर्टर हैं। तो दुनिया में जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं उसमें से 14% इंपोर्ट मिलिट्री के भारत को होते हैं। नंबर दो पर चीन है जो सिर्फ 4.5 है, इतना ज्यादा गैप है। खैर वो तो नई सरकार ने ऐलान किया है कि हम आगामी कुछ दशकों में उसको कम करने की आत्मनिर्भरता की तरफ आएंगे। इसमें दो बातें हैं, एक तो एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, लीक कहां हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है, ताकि उस सोर्स को हम प्लग कर सकें। जो फ्रांस की कंपनी है डीसीएनएस, उनकी तीन कंपनियां हैं, एक जो लैंड सिस्टम से डील करती है जो सोफमा है, एक जो एयरफोर्स सिस्टम से करती है जो ओफेमा है, और एक जो नेवल सिस्टम से वो डीसीएनए है। ये सब फ्रेंच मिनिस्ट्री के नीचे काम करती हैं। हालांकि डीसीएनए ने कहा है कि ये लीक भारत में हुई, लेकिन फ्रेंच मिनिस्ट्री ने अभी तक इस पर कोई कमेंट नहीं किया है जी। लेकिन क्योंकि फ्रांस एक एक्सपोर्टर है, उनके सिस्टम जाहिर है कि बिल्कुल इन प्लेस होंगे ताकि लीक के चांसेस कम कर दें। वो जल बख्शी ने सही कहा, जो ऑफिसर छोड़ के गया था लेकिन उसके बारे में भी उन्होंने टिप्पणी दी कि हमारा सिस्टम ऐसा है,
इनक्रिप्शन करके कोई आदमी ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं ले जा सकता। लेकिन भारत को इसकी पूरी तहकीकात करनी चाहिए। दूसरा जो जरूरी मुद्दा है, हम सबमरीन को चेंज नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। अभी जो बातें लीक हुई है उस 22,400 पेजेस में, उसमें कौन सी ऐसी बातें जिनको अभी भी सुधार सकते हैं? हो सकता है सिस्टम में कुछ बदलाव हो, एक्सपर्ट ने अभी कहा है, जहां जहां बदलाव हो सकता है, बेशक खर्चा ज्यादा लगे लेकिन रुझाना चाहिए, क्योंकि इसका फायदा देखिए, जासूसी मिलिट्री इक्विपमेंट हमेशा होती है, पाकिस्तान को भी है, चीन को भी है। खासकर चीन को अगर आप देखें, और साउथ चाइना सी में अपने पंख फैलाने की कोशिश कर रहा है, भारत भी वहां ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है वियतनाम के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो ये पनडुब्बी का रोल बहुत अहम है और इसका नुकसान काफी गंभीर हो सकता है। एक बार तहकीकात बताएगी क्या क्या लीक हुआ है, जरूरी नहीं कि इतनी गंभीर लीक हुई हो, लेकिन इसको प्लग करना चाहिए। और जहां सिस्टम में हम अभी भी चेंज कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे नेविगेशन, वो तो नेवल एक्सपर्ट या कम्युनिकेशन एक्सपर्ट जानते हैं, उसको बदली किया जाए।